टैली प्राइम के कुछ नए फीचर्स आए हुए हैं, तो जब आप टैली सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे तभी ये फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये डैशबोर्ड नाम का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ता था, जो कि अब नजर आने लगा है। यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई पहले नहीं पड़ता था, वो जो कुछ इस तरह की रिपोर्ट आपको दिखाता है। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको दिखाता है, ये अपग्रेडेड वर्जन में है। तो आप अपने टैली सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लीजिए। अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा tallysolution.com पे जाना है और वहां से अपग्रेडेड वर्जन डाउनलोड कर लेना। अगर आप सीखने के पर्पज से डाउनलोड कर रहे हैं तो आप जो है एजुकेशनल मोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टैली सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लेना क्यों जरूरी है, ये मैंने बताया आपको। अपग्रेड कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है। ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है और देखिए इसमें डैशबोर्ड वाला ऑप्शन शो हो रहा है, देख रहे हैं। ये डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पहले नहीं होता था, लेकिन अब इसमें डैशबोर्ड वाला ऑप्शन दिखा रहा है, तो हमें टैली को अपग्रेड कर लेना है, ठीक है। अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अगर आप कंपनी बनाते हैं F3 करके, देखिए यहाँ पर न्यू कंपनी बना के दिखाता हूँ। ये कंपनी हम बना रहे हैं, क्रिएट कंपनी पे गए और जैसे ही एंटर किया तो एंटर करने के बाद एक नया फॉर्म खुलता है, इसको हमें भरना है, ठीक है। तो यानी फॉर्म में हम कंपनी किस नाम से बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ईवे बिल के ही नाम से एक कंपनी तैयार कर रहे हैं, तो ये ईवे बिल नाम से कंपनी बन गई और इसका लोकल एड्रेस जो है ये कंपनी कहा कि ये एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और आने के बाद यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी होता है, तो स्टेट जरूर डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा, तो लोकल एरिया का पिन कोड आपका जो है वो डाल दीजिएगा और बाकी मोबाइल नंबर वगैरह आएगा, तो मोबाइल नंबर फिलहाल मैं स्किप करता हूँ। और यहाँ पे बिगनिंग डेट और जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट आ जाएगी और एंटर करिएगा तो एक नई विंडो ओपन होगी। अब वो नई विंडो क्या है देखिए, यहाँ पर भी आपको काफी सारे फीचर्स नजर आएंगे। अब ये एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें दिया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे दिया गया है अदर्स के अंदर इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक ऑब्लिक QR कोड, तो इसमें QR कोड भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप इसको यस रखते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मर्चेंट का नाम आपको डालना है, मैं फिलहाल दिखाने के लिए अपना नाम डाल देता हूँ। और UPI आप करते हैं, PayU करते हैं या रेजर पे करते हैं, जो भी करते हो वो आप डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पर UPI ID आएगी, तो एक डमी ID मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये डमी ID है, ठीक है, और ये हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवाना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और तब आप जो है आप देख सकते हैं। अभी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको जानकारी नहीं है, धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें आया हुआ है जो आपको QR कोड जनरेट करके देगा, तो आप इसको अपग्रेड कर लीजिए जरूर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।